पंजाब किंग्स टीम की को ऑनर प्रीति जिंटा ने मेगा ऑक्शन के दौरान मुंबई इंडियंस की तारीफ की। साथ ही प्रीति ने मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन नीता अंबानी की भी तारीफ की। इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल के मेगा ऑक्शन में काफी एक्शन देखने को मिला। पंजाब की को ऑनर प्रीति जिंटा मेगा ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले रही हैं। प्रीति अपने बच्चों की देखभाल और कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेगा ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले रही हैं। पंजाब के कोच अनिल कुंबले को ऑनर नेस वाडिया, फील्डिंग कोच जॉन टी रोड्स पंजाब किंग्स की तरफ से ऑक्शन में शामिल हुए। प्रीति जिंटा ने इस ऑक्शन में मुंबई की तारीफ की है। दरअसल ऑक्शन में मुंबई टीम के सभी प्रतिनिधि मास्क का उपयोग करते हुए नजर आए। मुंबई के इस निर्णय की तारीफ प्रीति जिंटा ने भी की। प्रीति ने अपने ट्विटर पर लिखा, मुंबई इंडियंस को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते देख अच्छा लगा। स्वीकार करना होगा कि नीता अंबानी की आंखें काफी खूबसूरत हैं। मुंबई ने पूरे ऑक्शन में मास्क का उपयोग किया, वहीं बाकी टीमों ने वक्त वक्त पर मास्क निकालकर बोली में हिस्सा लिया। मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में कड़े कोविड प्रोटोकॉल के तहत होस्ट किया जा रहा है। पहले दिन इस ऑक्शन में 97 खिलाड़ियों का नाम ऑक्शन के लिए आया, जिसमें 23 खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिला और कुल 74 खिलाड़ियों पर बोली लगी। पहले दिन टीमों ने कुल 388 करोड़ रुपए खर्च किए। पंजाब ने पहले दिन 2 मार्की खिलाड़ियों को 17.50 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। शिखर धवन को 8.25 करोड़ रुपए और कैगी सो रबाडा को 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा। मार्की खिलाड़ियों के अलावा पंजाब किंग्स ने शाहरुख खान, राहुल चाहर, प्रसिमरन सिंह, जॉनी बेयरस्टो, ईशान पोरेल, हरप्रीत ब्रार, जितेश शर्मा को खरीदा। अभी पंजाब के पास पर्स में 28.65 करोड़ रुपए बकाया हैं। पंजाब ने पहले दिन 43,235 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे पहले पंजाब ने मयंक अग्रवाल और अर्शदीप सिंह को रिटेन किया था। आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।